Hello learners, today we are going to discuss topic what are rights, adhikar kya hai. A right is essentially an entitlement or a justified claim. ये जो rights हैं ये ज़रूरी हैं, entitled हैं और justified claim है. It denotes what we are entitled to as a citizen, as individuals and as a human being. एक human being होने के नाते, एक individual होने के नाते और एक citizen होने के नाते हमें कौन कौन से rights हैं ये देखेंगे. It is a something that we consider to be due to us, something that we the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. Legitimate claim है society में जिसको हम uphold कर सकते हैं. This does not mean, इसका मतलब ये नहीं है कि everything that I regard to be necessary, जो भी हम मांगते हैं वो ज़रूरी हो, and desirable it is a right. तो जो भी हमारी इच्छा है वही हमारा right हो. I mean want to wear the clothes of my choice to school rather than a prescribed uniform. नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो भाई मैं मेरी मर्ज़ी है भाई मैं जो मर्ज़ी कपड़े पहनूं, जो मेरी चॉइस है मैं वो पहनूं, बट जो स्कूल में यूनिफॉर्म लगाई गई है मैं वो नहीं पहनूंगा तो कैसा होगा. लाइक दिस है ना, आई मे वॉन्ट टू स्टे आउट लेट एट नाइट बट दिस डज नॉट मीन दैट आई हैव द राइट टू ड्रेस इन एनी वे आई लाइक एट स्कूल और द रिटर्न होम व्हेन आई चूज टू डू सो. ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी कि स्कूल में आप जौन से मर्जी कपड़े पहनकर जा रही हो, यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, ऐसा नहीं है, हो सकता है ना. तो आपके भी राइट्स हैं मगर रूल एंड रेगुलेशंस भी हैं कुछ. देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वट आई वॉन्ट एंड थिंक आई एम एंटाइटल टू. तो क्या मैं चाहता हूँ और क्या मैं सोचता हूँ, ये डिस्टिंक्शन देखना है हमने. वट कैन बी डिज़ाइंड एज राइट्स, तो ये सभी डिज़ाइंड किए गए हैं इस तरीके से राइट्स को. राइट्स आर प्राइमरली दोज क्लेम्स, जो राइट्स हैं वो उन क्लेम्स को बोला गया है that I along with other regard to be necessary for a leading a life of respect and dignity, जो कि ज़रूरी है मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी एक respectful life को जीने के लिए. In fact, one of the ground on which our rights have been claimed is that they represent condition that we collectively see as a source of self-respect and dignity. सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम किसी भी बेसिस पे राइट्स को देख रहे होते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, राइट टू लाइवलीहुड मे बी अ कंसीडर नेसेसरी फॉर अ लीडिंग लाइफ ऑफ डिग्निटी. जो लाइफ ऑफ लाइवलीहुड की बात की जाए तो उसमें लाइफ ऑफ डिग्निटी भी उसका एक पार्ट है. बींग गेनफुल एम्प्लॉयड गिवन अ पर्सन इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस. भाई अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉयर को जो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस दी गई है एंड थर्स इज अ सर्टन हिज और हर डिग्निटी, उसकी भी कुछ ना कुछ डिग्निटी होती है, हर एक पर्सन की डिग्निटी होती है. हैविंग आर बेसिक नीड मैटर गिव्स अस अ फ्रीडम, तो भाई जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके लिए हमें कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं. टू परस्यू आर टैलेंट, जिससे हम अपने जो टैलेंट्स हैं हमने इंटरेस्ट हैं उनको परस्यू कर सकते हैं. और टेक द राइट्स टू एक्सप्रेस आर सेल्फ फ्रीली, तो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस राइट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल, ये जो राइट है हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम अपॉर्चुनिटी के साथ हम अपने कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ओरिजिन कर सकते हैं. Whether it be a writing or dance, चाहे वो कुछ लिखने में हो, कुछ डांस में हो, म्यूज़िक में हो और कोई भी तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी हो, ये सभी राइट्स हैं, तभी हम ये इंजॉय कर सकते हैं. बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, सिंस इज एन ऑप्शन ओपिनियन सॉरी ओके. तो ये जो फ्री एक्सप्रेशन की, यानी कि अपने जो आपके विश्वास हैं, जो आपके विचार हैं, वो भी आप बता सकते हो, अलाउ है आपको
फ्री एक्सप्रेस करने का राइट सच एज अ राइट ऑफ लाइवलीहुड और अ फ्री ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो भाई ये राइट सबके लिए ज़रूरी हैं कि सबके लिए ये राइट टू लाइवलीहुड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सब ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है जो सोसाइटी में रहता है। और दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिवर्सल इन नेचर, ये यूनिवर्सल माने गए यानी कि सबको है ये राइट। Another ground on which rights have been claimed as is that they are necessary for all well-being. ये well-being के लिए भी जो rights हैं वो ज़रूरी होते हैं। They help individual to develop their talent and skills. Talents और skills को develop करने के लिए individual की help करती हैं rights. Right like the right to education, जो right to education है ये help करता है। capacity जो कि reason की capacity है develop हो जाती है। Give us प्रोवाइड करती है हमें एजुकेशन। अनेबल अस टू मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइसेस इन लाइफ, इट इज़ इन दिस सेंस दैट एजुकेशन कैन बी डिजाइंड एज अ यूनिवर्सल राइट। हाउएवर इफ एन एक्टिविटी इज इंजूरियस टू आर हेल्थ, अगर कोई एक्टिविटी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है एंड वेलबींग इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट, तो उसके वेलबींग की क्लेम भी एक राइट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ क्योंकि जो प्रोहिबिशन है यानी कि ये जो मेडिकल रिसर्च ने ये प्रूफ किया है जो ड्रग्स हैं वो इंजूरियस होते हैं किसी के लिए भी यानी कि उनकी सेहत पे असर डालती हैं, बुरे होती हैं। सिंस दे अफेक्ट आर रिलेशन विद अदर्स, और ये रिलेशन भी ख़राब करती हैं हमारे एक दूसरे के साथ। वी कैन नॉट इंसिस्ट दैट वी हैव द राइट टू इनहेल और इंजेक्ट ड्रग्स और स्मोक टबैको, तो ये हम नहीं बोल सकते, इंसिस्ट नहीं कर सकते कि भाई ये तो हमारा राइट है, हम ड्रग्स ले सकते हैं, स्मोक टबैको सब कुछ कर सकते हैं। इन द केस ऑफ स्मोकिंग इट मे इवन बी इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द पीपल हु मे बी अराउंड द स्मोकर, तो अगर आपको पता है जब जो स्मोकिंग कर रहा होता है जो उसके पास होते हैं उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो उसका जो स्मोक होती है धुआं होता है वो अफेक्ट करता है दूसरों को भी। आप तो कर रहे हो भाई, दूसरे को क्यों इफेक्ट कर रहे हो, इस ये भी गलत है। आप अपना राइट मान रहे हो मगर दूसरे का तो वायलेट हो रहा है ना। ड्रग्स मे नॉट ऑनली इंजर्स आर हेल्थ बट दे मे ऑल्सो समटाइम चेंज आर बिहेवियर पैटर्न, तो ये बिहेवियर पैटर्न भी चेंज कर देती हैं हम ड्रग्स, और मेक अस अ डेंजर टू अदर, ये दूसरों के लिए भी खतरा बना देती हैं। इन टर्म ऑफ आर डेफिनेशन ऑफ राइट, स्मोकिंग और टेकिंग ए बैन ड्रग्स कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट, तो भाई ये जो स्मोकिंग करना और जो बैनिंग ड्रग्स को लेना ये भी क्लेम नहीं बोल सकते हम राइट्स का। ओके तो राइट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा क्या है। ओके तो राइट्स सबको मिले हुए हैं मगर थोड़ी सी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा। राइट्स सबको दिए गए हैं। ओके तो ज़रूरी हैं टैलेंट को, अपना टैलेंट और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं एक हर